इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंगली इट स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब ये कि अगर सपोज करो कोई भी एक बॉडी है, इसका मोमेंटम इनिशियल पी वन है और फाइनल मोमेंटम कितना है, पी टू है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन है, कोई डाउट इसमें? तो चेंज इन मोमेंटम इसमें क्या होगा, पी टू वैक्टर माइनस पी वन वैक्टर हो गया, क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है, इम्पल्स। तो इम्पल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम, और इम्पल्स का एक और फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। ये प्रूव करना है कि जब बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, उसकी बॉडी के इम्पल्स के इक्वल होगा। ऐसा करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ फैक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डी पी बाई डी टी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी पी इज इक्वल टू एफ इन टू डी टी, ठीक। तो ये क्या आ गया, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम कवर्ड इन स्मॉल टाइम डी टी, ठीक। पर हमने टोटल चेंज निकालना है पी वन से पी टू, तो टोटल चेंज के लिए इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू पी चल रही है, तो लिमिट किसकी लगेगी, पी की। तो पी की लिमिट क्या लगेगी, इनिशियल मोमेंटम क्या है, पी वन वैक्टर, और फाइनल क्या है, पी टू वैक्टर। सब कुछ वैक्टर फॉर्म में लिखना है, टाइम वैक्टर नहीं है, बाकी सब वैक्टर में चल रहा है। और टाइम की लिमिट क्या लगेगी, जीरो से टी, यानी कि जब टाइम जीरो है तो मोमेंटम पी वन वैक्टर है, जब टाइम टी है तो मोमेंटम पी टू वैक्टर है। वन डी पी की इंटीग्रेशन क्या होती है, पी। तो ये क्या आ गया, पी वैक्टर, कहाँ से कहाँ, पी वन वैक्टर से पी टू वैक्टर। और वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, टी, जीरो से टी। तो ये क्या आ गया, इम्पल्स, और इम्पल्स क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम। तो कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल एफ इक्वल डी पी बाई डी टी लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टाइम की लिमिट लगानी है, मोमेंटम की लिमिट लगानी है, और यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है, आंसर। कोई डाउट इसमें?